हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दवा रिव्यू। दवा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद हो तो डिसलाइक का बटन दबाइए। अगर कोई सलाह देनी है या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य। फ्रेंड्स, आज की दवा बहुत ही प्रसिद्ध दवा है, डाइजीन जेल एंड टैबलेट, जलोसिल जेल एंड टैबलेट। आपने कभी न कभी इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं इस दवा के बारे में, आज हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और दवा की नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की दवा, डाइजीन जेल एंड जेलोसिल जेल एंड टैबलेट्स। यह मार्केट में अलग अलग कलर्स और फ्लेवर में अवेलेबल है, जैसे मिंट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मिक्स फ्रूट फ्लेवर और अन्य कलर और फ्लेवर में भी यह मार्केट में अवेलेबल है। इस दवा का कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद साइमेथिकॉन। यह एक एंटी एसिड दवा है। आपने कभी ना कभी यह जरूर उपयोग की होगी। इस दवा का सेवन हम कहाँ कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं? यह दवा हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, एंटी गैस, ब्लोटिंग, ब्लीचिंग, रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस, एसिडिटी कंट्रोल के लिए प्रयोग की जाती है। इट क्विकली रिलीव्स फ्रॉम एसिडिटी। प्रयोग का तरीका, शेक वेल बिफोर यूज। दवा प्रयोग करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह हिला लें। डोजेस 2 टेबल स्पून और 10 ml खाना खाने के बाद दिन में 3 से 4 बार। रात को खाना खाने से पहले दवा जरूर लें। यह दवा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला भी प्रयोग कर सकती हैं। आयरन सिरप इस दवा के साथ प्रयोग ना करें। सभी एंटासिड जेल शुगर फ्री होते हैं, तो शुगर के मरीज इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से हाइपर एसिडिटी की समस्या है तो इस दवा के साथ उसे पेंटॉप DSR भी लेना चाहिए, जिसकी जानकारी मैं पहले एक वीडियो में दे चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी देखें फॉर बेटर रिजल्ट्स। दोस्तों, यह वीडियो दवा की जानकारी के लिए है। कृपया दवा प्रयोग करने से पहले डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लें। दूसरे ब्रांड जो इस कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल है वो हैं एलॉक्स एंटासिड जेल, एलसिड जेल, एल जेल, डाइजेशन जेल, पॉलीक्रॉल जेल। यह सब भी मार्केट में अलग अलग कलर और फ्लेवर में अवेलेबल है। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और नई दवाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।